तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो कि कंडेंसर के ऊपर बेस्ट है। और ये जो न्यूमेरिकल है वो हाल ही में हुए केरला बीओ एग्जाम के दौरान पूछा गया था, यानी कि केरला बीओई 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आज हम लोग डिटेल से इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो देखिए, कंडेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंडेंसर पर एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल के तौर पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग डिटेल से देखते हैं कि कंडेंसर का जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे सलूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन अ कंडेंसर टेस्ट, कंडेंसर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है जहां पे हीट का एक्सचेंज किया जाता है। तो ये जो कंडेंसर है वो हमारा सरफेस कंडेंसर है जिसके अंदर मल्टीपल ट्यूब्स होता है और उस ट्यूब के इनसाइड में हमारा कूलिंग वाटर फ्लो करता है और आउटसाइड में जो टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम है वो रहता है। तो एग्जॉस्ट स्टीम को इस कूलिंग वाटर की मदद से कंडेंस किया जाता है। तो उस कंडेंसर टेस्ट के दौरान द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड, जिसमें देखा गया कि जो वैक्यूम है वो कितना दिखा रहा है, 70.1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी दिखा रहा है, और जो हमारा बैरोमीटर है यानी कि जो हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है उसका मैक्सिमम रीडिंग कितना है, 76.3 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। ठीक है, मीन टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन यानी कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम निकल रहा है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम इस कंडेंसर में आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। और यह जो स्टीम है वो कंडेंस होने के बाद कहां पे आता है, हॉट वेल में आता है, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 29 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर, यानी कि इस कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट कितना है, तो 46,270 केजी पर आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर 46,270 केजी वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर यानी कंडेंसर में जो इनलेट वाटर हो रहा है उसका टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, और जैसे आउट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो 32 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कंडेंसेट यानी कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको जब कंडेंस कर दे रहे हैं तो होटल में जो कंडेंसेट कलेक्ट हो रहा है उसका अमाउंट कितना है, 1200 केजी पर आवर, यानी कि 1200 केजी पर आवर से हमारा एग्जॉस्ट स्टीम इस कंडेंसर में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टीम का जो कि कंडेंस हो गया, यानी कि वाटर कंडेंसेट वाटर हो गया, और इतना इसको कंडेंस करने के लिए हमें इतना पानी का पर आवर जरूरत पड़ रहा है। तो यहां पे हमें डिटरमाइन क्या करना है कि पहला डिटरमाइन करना है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट पर एमक्यू ऑफ कंडेंसर वॉल्यूम। ठीक है, हमें यह पता करना है कि जब हम लोग कंडेंस करेंगे तो उस कंडेंसर के अंदर जो एयर मौजूद होगा उसका अमाउंट कितना होगा, उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या पता करना है कि द स्टेट ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर, यानी कि जो कंडेंसर में स्टीम एंटर कर रहा है उसका स्टेट कितना है, स्टेट कैसा है, मतलब कि वो ड्राई स्टीम है कि वेट स्टीम है। तो वेट स्टीम है तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, यानी कि इसमें हमें एक्स पता करना है कि एक्स कितना है दूसरा पार्ट में। और थर्ड में हमें पता करना है कि वैक्यूम एफिशिएंसी, यानी कि इसमें हमें वैक्यूम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या पड़ता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या करना पड़ेगा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू हम लोग रखेंगे बैरोमीटर का जो प्रेशर है वो, और माइनस कर देंगे जो हमारा अभी एक्चुअल वैक्यूम है उसको, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि अभी हम लोग निकालते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि 76.3 माइनस क्या कर देना है, वैक्यूम प्रेशर, तो 70.1, तो इसका माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.2 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। अगर हम लोग इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस mm ऑफ Hg को बार में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसको बार में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे हम लोग, 62 into mm ऑफ Hg है, इसको बार में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना बार होता है, तो 1.01325 बार होता है,
और हम लोग ये भी जानते हैं कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना एमएमएफजी होता है, तो 760 एमएम ऑफ एचजी होता है। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि 62 इंटू 1.01325 और डिवाइड कर देना है आपको 760 से, तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 0.082 bar। तो ये जो है हमारा कंडेंसर के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर है जो कि हम लोग बार में कन्वर्ट कर लिए। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो डाल्टन्स लॉ द्वारा क्या कहा गया है कि जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, यानी कि जो हम लोग का कंडेंसर में जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, तो उस कंडेंसर के अंदर जितने भी गैस होगा उसके पार्शियल प्रेशर के सबमिशन के बराबर होगा। तो यहां पे मान लीजिए कि हमारा इस कंडेंसर के अंदर एक स्टीम है और दूसरा एयर है, तो ये किसके बराबर होगा, तो हमारा प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस प्रेशर ऑफ एयर के बराबर होगा। यही हमारा क्या है, डाल्टन्स लॉ है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ एयर निकालना है। तो हमें पहले यह पता करना होगा कि ये जो हमारा एयर है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो देखिए यहां पे जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है वो कितना है, तो 0.082 है। अब हमें निकालना क्या है, तो ये वाला प्रेशर यानी कि स्टीम का जो प्रेशर होगा, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम आया है उसका टेम्परेचर कितना है, तो 35 डिग्री सेल्सियस है यहां पे टेम्परेचर। तो अगर हमें टेम्परेचर पता है तो उसका हम लोग स्टीम टेबल से क्या कर सकते हैं, प्रेशर पता कर सकते हैं कि इतना टेम्परेचर पे जो हमारा स्टीम होगा उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो जब आप स्टीम टेबल में देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको निकल के आ जाएगा कि जो हमारा पीएस है यानी कि स्टीम का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है। तो देखिए यहां पर हमारा वैल्यू दिख रहा है 0.056 bar आ जा रहा है। और इसी के बगल में आप देखिए कि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, तो 25.24 mq/kg है। ठीक है, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पार्शियल प्रेशर आया है स्टीम का उसको यहां पर रखते हैं, यानी कि 0.056 bar और प्लस क्या हो जाएगा, पीए। तो यहां से आप पीए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.082 - 0.056, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.082 - 0.056, तो 0.026। ये किसका प्रेशर है, तो एयर का प्रेशर हमें निकल के आ गया। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ एयर। यहां पे इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला है परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन जो कि हम लोग बहुत बार स्टडी किए होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू MRT। जो भी इंजीनियरिंग किए होंगे उनको तो ये माइंड में हमेशा रहता है, PV इक्वल टू MRT। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, M यानी कि मास ऑफ एयर। तो M के लिए क्या कर देंगे, तो ये PV/RT हो जाएगा। P क्या है, प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम है, R जो है गैस कांस्टेंट है, T क्या है, हमारा टेम्परेचर है, और ये जो हमारा T है वो हमेशा क्या लेना है, केल्विन में लेना है। तो प्रेशर कितना है हमारा, देखिए यहां पर किस चीज का प्रेशर, तो हम लोग एयर निकाल रहे हैं, तो एयर का प्रेशर, तो एयर का हमारा प्रेशर कितना आया है, ये हमारा प्रेशर आया है यानी कि 0.026 आया है। ठीक है, इनटू इसको हमें क्या करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 10^5 हो जाएगा। बार को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहां पे वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा लेना है, तो जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं कि इतना टेम्परेचर पे जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इतना है। तो यहां पर डायरेक्टली आप लिख दीजिए 25.24, और डिवाइड किससे करना है, तो R यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है R एयर के लिए वो कितना है, 287 है। 287 इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी डिग्री केल्विन होता है। तो यहां पे 287 हो गया। अगर हम लोग यहां पे अगर लेते हैं किलो जूल में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.287 होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 10^2 हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू आर, ये टी हमारा, टी कितना है, तो देखिए
हमारा टेम्परेचर कितना है 35 है, इसको हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस 35 कर दीजिए तो आपको ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आ जाता है 0.75 केजी पर केजी ऑफ स्टीम आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कैलकुलेट हो गया। अब हमें निकालना क्या है सेकंड पॉइंट, यानी कि स्टेट ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर, यानी कि जो कंडेंसर में स्टीम आ रहा है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा उसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और हम लोग दूसरे पार्ट को अच्छे से समझते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना क्या है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम ये जो आ रहा है इसका एंथैल्पी कितना है, यानी कि एट 35 डिग्री सेल्सियस हमारा एच एफ यानी कि जो सेंसिबल हीट है वो कितना है और एच एफ जी जो है वो कितना है। तो जब आप देखेंगे तो इसका जो सेंसिबल हीट है वो कितना आ रहा है, तो देखिए स्टीम टेबल में हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं, तो 146.6 ये किलो जूल पर केजी है, ठीक है। और जो हमारा एचएफजी का वैल्यू है वो कितना है 24.18.8 किलो जूल पर केजी है। तो यहां पे हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि हॉटवेल में जो वाटर है उसका एंथैल्पी कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर कितना है 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो एंथैल्पी होगा वो कितना होगा 29 किलो कैलोरी पर केजी होगा। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है सेंसिबल हीट है तो उतना ही होगा, ठीक है। और जब इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो कैलोरी है तो किलो जूल में, क्योंकि सारा वैल्यू हम लोग किलो जूल में लिए हैं, तो किलो जूल में के लिए क्या करेंगे 29 into 4.187 कर देंगे तो आपका जो वैल्यू है वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 4.187 तो 121.4। इसको आप स्टीम टेबल से भी डायरेक्ट देख सकते हैं तो लगभग इतना ही वैल्यू आएगा, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस के बगल में जो एचएफ का वैल्यू है उसको देखेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। तो यहां पे हमें निकल गया कि जो स्टीम का कंडीशन है वो ये है और जो हमारा वाटर है उसके पास इतना हीट कंटेंट है। तो अब हमें निकालना क्या है कि जो हमारा एक्स है, यानी कि कितना हमारा स्टीम जो है वो वेट आ रहा है। तो इस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पे हीट बैलेंस का यूज करेंगे। तो हीट बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जो एग्जॉस्ट स्टीम इस कंडेंसर के अंदर आ रहा है उसके अंदर हीट कंटेंट कितना है, यानी कि हमारा एग्जॉस्ट स्टीम के अंदर हीट कंटेंट कितना होगा, यानी कि हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसका अमाउंट कितना है, यानी कि एम एस इंटू एंथैल्पी डिफरेंस कर दीजिए, यानी कि एच एस माइनस एच डब्ल्यू कर दीजिए, ठीक है। और इक्वल टू क्या करेंगे कि इस हीट को कितना जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना अमाउंट में वाटर लग रहा है, यानी कि मास ऑफ वाटर कर लीजिए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू इसका टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टी ओ माइनस टी आई कर दीजिए। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो यहां पे हमें क्या निकल के आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एच एस इक्वल टू क्या होता है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां पे एच एफ का वैल्यू हमारा कितना है, तो देखिए 146 ठीक है 0.6 प्लस एक्स और इंटू 2418.8 ये हमारा एच एस का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए, तो एम एस का वैल्यू हमारा कितना है 1200 है, तो यहां पे डायरेक्टली आप क्या लिख दीजिए 1200 ठीक है इनटू ये वाला वैल्यू 146.6 प्लस 2418.8 इंटू एक्स और माइनस एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू क्या है हमारा ये, यानी कि माइनस 121.4 ठीक है और इक्वल टू क्या आ जाएगा एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू हमारा कितना है 4627.0 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है तो 4.18 होता है ठीक है और इंटू आउटलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर हमारा कितना है 32 और इनलेट टेम्परेचर कितना है 17, यानी कि 32 माइनस 17। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें x का जो वैल्यू है वो
पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जगह कम पड़ रहा था, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दिया। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 146.6 माइनस 121 कीजिए, 146.6 माइनस 121.4 क्या कर दीजिए, तो ये कितना है 25.2 हो जा रहा है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि 2418.8x प्लस ये हमारा 25.2 हो जाएगा, और ये पार्ट हमारा इधर ही रहेगा, यानी कि 46270 इंटू 4.18 इंटू ये वाला 32 माइनस 17 करेंगे, 32 माइनस 17 अगर करते हैं तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 15, तो डायरेक्ट इंटू 15 कर दीजिए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि 1200। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 46270 इंटू 4.18 इंटू 15 और डिवाइड कर देना है आपको 1200 से। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 24.17.6 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला, यानी कि 2418.8x इक्वल टू ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2417.6 माइनस 25.2, तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको जब माइनस करेंगे माइनस 25.2 तो हमारा वैल्यू कितना जा रहा है 2392.4 और डिवाइड क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि 2418.8, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना जाएगा, यानी कि 2418.8 तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 0.98, यानी कि इतना क्या है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ये हमारा सेकंड पार्ट निकल गया। और क्या है हमारा इस क्वेश्चन में निकालने का, तो वैक्यूम एफिशिएंसी, यानी कि सी पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, वैक्यूम एफिशिएंसी। तो देखिए वैक्यूम एफिशिएंसी निकालना बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि अभी हमारा एक्चुअल वैक्यूम कितना है, यानी कि एक्चुअल वैक्यूम, और डिवाइड कर देना है कि हमारा आइडियल वैक्यूम कितना होना चाहिए, आइडियल वैक्यूम, और इनटू कर दीजिए 100 से, तो आपको निकल के आ जाएगा क्या, वैक्यूम एफिशिएंसी। और एक्चुअल वैक्यूम अभी क्या दिखा रहा था, तो हमारा 70.1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी दिखा रहा था, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आइडियल वैक्यूम कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए आइडियल वैक्यूम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, दो हमने यहां पे लाइन ड्रॉ किया, जिसमें बॉटम वाला क्या शो कर रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन दिखा रहा है, और ये क्या है हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर लाइन दिखा रहा है, जिसको यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैरोमेट्रिक, ठीक है, बैरोमेट्रिक बोल रहे हैं। तो ये जो प्रेशर होगा वहां पे क्या है हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि 760 mmHg होगा, ठीक है, और इसके नीचे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा वैक्यूम होगा। तो हमारा एक्चुअल वैक्यूम यहां पे क्या दिखा रहा है, 70.1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी दिखा रहा है, यानी कि ये जो होगा वो क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। लेकिन हमारा जो आइडियल वैक्यूम है वो क्या कहलाता है, आइडियल वैक्यूम को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो हॉट व्हील के अंदर वाटर है जिसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, उस पे सैचुरेशन प्रेशर कितना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टीम टेबल में जाएंगे, जहां पे हमारा 29 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है वहां पे देखेंगे कि हमारा स्टीम का जो प्रेशर है, यानी कि सैचुरेशन प्रेशर कितना होगा। तो देखिए यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है 0.04 बार दिख रहा है, यानी कि यहां से आप देख लीजिए कि उस लिक्विड के अंदर जो सैचुरेशन प्रेशर है वो कितना है, तो 0.04 बार है। यहां पे हम लोग सारा वैल्यू सेंटीमीटर या mmHg में ले रहे हैं, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.4 बार है, 0.04 बार इनटू इसको किस में कन्वर्ट करना है, mm ऑफ एचजी में। तो यहां पे सिंपली क्या करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई करके 1.01325 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ जाएगा 30 mm ऑफ एच जी। अगर इसको एमएम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.0 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। कि इस कंडेंसेट के पास, यानी कि जो हमारा हॉट व्हील में वाटर है उसके पास प्रेशर कितना है, तो 3 सेंटीमीटर एचजी है, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर अगर देखा जाए तो यहां से हमारा ये जो वैल्यू है कंडेंसेट का वो कितना है, 3.0
है, ठीक है। और यहां पे हमारा बैरोमेट्रिक कितना दिखा रहा है, तो 76.3 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो एक्चुअली हम लोग का वैक्यूम जो है वो इतना तक बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, तो यहां तक बन रहा है, यानी कि वैक्यूम यहां से यहां तक हमारा क्या है, ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू कितना रहा है, 76.3 माइनस 70.1 करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है, 6.2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमें बन कितना, बनना कितना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, 6.2 आ रहा है। तो हमारा आइडियल वैक्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि ये जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है माइनस कर दीजिए, हमारा जो हमारा सैचुरेशन प्रेशर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, आइडियल वैक्यूम। आइडियल वैक्यूम इक्वल टू बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस हमारा जो सैचुरेशन प्रेशर होगा, यानी कि जो हमारा कंडेंसेट है उसका उतना टेम्परेचर पे जो हमारा सैचुरेशन प्रेशर होगा उसको माइनस करेंगे, तो हमारा ये वैल्यू निकल गया। इसको कन्वर्ट जिसमें भी अगर आपका यूनिट दिया है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा सेंटीमीटर में सारा वैल्यू है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो यहां पे हमारा आइडियल वैक्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आइडियल वैक्यूम इक्वल टू 76.3 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 73.3 हो जाएगा ये सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो हमारा आइडियल वैक्यूम इक्वल टू, तो चलिए यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल कितना है हमारा 70 है, 70.1, लेकिन ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 73 तक, 73.3 तक आ रहा है। हमें बनना कितना चाहिए, 73.3 इंटू 100, तो इसको जब आप करेंगे तो कितना वैल्यू आ जा रहा है, 70.1 डिवाइड कर दीजिए 73.3 और इनटू कर दीजिए 100 से, तो आपका वैल्यू 95.6%। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सारा चीज कैलकुलेट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।